जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हैं और पूरी शिद्दत से अपने ड्रीम जॉब के लिए लगे हुए हो। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशली, देखो ये जो घटना चक्र का सीरीज स्टार्ट हमने किया है, ठीक है, इससे पहले हमने अराउंड एक घंटे का क्लास सिर्फ हमने जो ह्यूमन डिजीज होता है, मानव रोग होता है, उस पर हमने आपका लिया था। और ये जो होगा और जो भी वीडियोज आते हैं, आप ये समझो कि एक से दो नंबर तो कंफर्म है हर वीडियो से, ठीक है। तो अगर दरोगा मेन से आपका, या आप एक्साइज थ्री देने वाले हो या बीएसएससी, ठीक है, तो हमारा फोकस रहेगा कि जो दरोगा के जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, या आपका बीएसएससी का एग्जाम हुआ है, हर एक क्वेश्चन को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करवा दूँ, टॉपिक को अच्छे से करवा दूँ, ताकि आपका जो 25 क्वेश्चंस बीएसएससी में आने वाले हैं और दरोगा में भी जो अगर 15 से 16 क्वेश्चन अगर मेंस में अगर पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। घटना चक्र को हम पूरा का पूरा साथ में लेके चल रहे हैं, ताकि आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चैनल पे नए हो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर से हम कहते हैं, अगर आप दरोगा मेंस देने वाले हो, चाहे आप एक्साइज का पीटी देने वाले हो, आपको स्टेटस के क्वेश्चंस आप जरूर लिखते हुए चलिएगा, और जो भी क्लासेस चल रहे हैं आप उसको कंप्लीट करते हुए चलिए, अगर आपको दरोगा मेंस देना है या आप एक्साइज पीटी देने वाले हो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, नीचे लिंक होगा, जुड़ जाना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले ये 2213 में क्वेश्चन पूछा गया था, हमने इसको एक्सप्लेन भी किया था, डिटेल भी लिखा था आपके लिए। आप जल्दी से बताओ इसका, ठीक है, इसका आंसर आपके क्या होगा, ठीक है। पूछा गया है कि आपको इसका कमेंट करना है, उसके बाद में अभी आपके इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। चलिए तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हिच इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, जो सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है, आपने सेल पढ़ा होगा, तो सबसे बड़ा जो कोशिकांग होता है, हम लोग पूरा सेल चैप्टर का बेसिकली एमसीक्यू देखने वाले हैं, ठीक है, इसमें जो प्रीवियस ईयर के, तो जो सेल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, सेल मतलब आपका सेल ऑर्गेनेल्स आपने पढ़ा होगा, तो जो कोशिकांग होते हैं, तो सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है वो यहाँ पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस मतलब होता है केंद्रक, और गोल्गी बॉडी मतलब गोल्गी, आपको एपरेटस पता होगा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका केंद्रक, दैट मींस न्यूक्लियस जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? न्यूक्लियस जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ध्यानपूर्वक जो भी मैं बातें बोलूं लिखते हुए चलिएगा। देखिए न्यूक्लियस का अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो इसका यही पूछा जाता है कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट कोशिकांग, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स, क्या मैंने बोला लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स कौन सा है, तो आपको याद रखना है लार्जेस्ट कोशिकांग जो होता है सेल में वो कौन सा होता है, तो वो होता है आपका न्यूक्लियस, पहला पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन आपको लिखना है यहाँ, ठीक है, कि ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है, जो ब्रेन होता है मतलब सेल का, ठीक है, जो दिमाग होता है वो किसको कहते हैं, किस कोशिकांग को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है, तो ब्रेन ऑफ द सेल हम लोग किसको बोलते हैं, तो आपको याद रखना है ये भी हम लोग न्यूक्लियस को बोलते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। अगर हम लोग न्यूक्लियस का बात करें, तो क्वेश्चन आपको बहुत बार रिपीट हुआ है कि देखिए सेल का डिस्कवरी किसने किया था, मैं सेल का बोल रहा हूँ, ठीक है, तो सेल जो होता है बायोलॉजी का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो सेल का डिस्कवरी किसने किया था, तो आपने पढ़ा होगा रॉबर्ट हुक ने किया था, किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। बट यही मैंने आपको बताया था कि जीवित सेल मतलब लिविंग सेल का किसने डिस्कवर किया था, तो मैंने आपको बताया था एंटन वेन लुवेनहुक के बारे में मैंने बताया था, किसका नाम याद करो, एंटन वेन लुवेनहुक के बारे में मैंने बताया था। तो अगर सिर्फ लिखा हो कि सेल का डिस्कवरी किसने किया, तो आपको याद रखना है रॉबर्ट हुक ने किया। वही अगर आपको बोले कि जीवित सेल मतलब जीवित कोशिका का डिस्कवरी किसने किया, तो एंटन वेन लुवेनहुक ने किया, और इसको इनको ही क्या बोला जाता है, तो आपको पता है एंटन वेन लुवेनहुक को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बैक्टेरियोलॉजी बोला जाता है, ये चीज हमने आपको बताया था, ठीक है। तो सेल का डिस्कवरी तो हमने समझा रॉबर्ट हुक है और एंटन वेन लुवेनहुक इनसे रिलेटेड है, बट सेल में जो कोशिका होता है उसका डिस्कवरी किसने किया है, तो आपको याद रखना है रॉबर्ट ब्राउन ने। तो न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया है, तो रॉबर्ट ब्राउन आपको याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और यहां आपको पूछा जाता है कि ठीक है न्यूक्लियस का स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, तो न्यूक्लियस का जो अध्ययन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्रायोलॉजी। क्या बोलते हैं हम लोग, क्रायोलॉजी। ये सब क्वेश्चंस पूछे गए, चाहे घटना चक्र उठाओगे चाहे कोई भी एग्जाम का पेपर उठाओगे, तो क्रायोलॉजी हम लोग बोलते हैं। न्यूक्लियस याद रखिएगा आपका डीएनए, डीएनए प्लस आरएनए याद रखना है, डीएनए प्लस आरएनए दोनों जो होता है आपको याद रखना है, ये कहाँ मिलेगा आपको, न्यूक्लियस में मिलेगा। और एक क्वेश्चन जो बहुत रिपीटेड होता है वो है आपका कि ठीक है डीएनए जो है आपका कहाँ मिलता है, तो न्यूक्लियस में मिलता है। न्यूक्लियस को छोड़ के ऐसा कौन सा कोशिकांग है, कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जिसके पास खुद का डीएनए है, तो क्या बोलोगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और एक चीज आपने पढ़ा होगा क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आपने पढ़ा होगा, हरित लवक जिसको बोला जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दो ऐसे कोशिकांग हैं, दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं,
याद रखिएगा, दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जिनका खुद का डीएनए होता है, तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया और आपका वो है आपका क्लोरोप्लास्ट, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बारे में मैंने क्या बताया, डीएनए और आरएनए होता है, इसकी स्टडी को हम लोग क्रायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट जो सेल में, ठीक है, सबसे बड़ा कोशिकाओं कौन है, तो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं, तो ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। और न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया था, तो आपको याद रखना है न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। और सेल का डिस्कवरी किसने किया, तो आपको रॉबर्ट हुक ने किया। और लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया, तो एंटन वैन लुवेन हुक ने किया। ये चीज आपको याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके न्यूक्लियस पे, केंद्रक पे, ये चीज आपको याद रखना है। दूसरा हम लोग बात करते हैं गोल्गी अपैरेटस। ठीक है, गोल्गी बॉडी या गोल्गी काय जो बोल लो। ठीक है, तो जो गोल्गी है, ठीक है, इसका एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका काम क्या होता है। दो पॉइंट इससे आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, मतलब कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसको बोला जाता है, ट्रैफिक पुलिस, तो आपको याद रखना ये बोला जाता है गोल्गी बॉडी को। इसका मेन क्या काम होता है, तो मैनेजमेंट का काम होता है, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का, प्रबंधन का काम होता है कि ट्रांसपोर्टेशन सही से हो रहा है कि नहीं सेल के अंदर। ठीक है, पैकेजिंग ये सब सही से हो रहा है कि नहीं सेल के अंदर। तो मेन जो काम होता है प्रबंधन का, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल जो बोला जाता है, वो बोला जाता है आपको किसको, गोल्गी अपैरेटस को बोला जाता है। न्यूक्लियस के बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर बायोलॉजी में अगर हम लोग बात करते हैं कि न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया, तो हम लोग हमेशा नाम लेते हैं रॉबर्ट ब्राउन का। बट यही अगर हम लोग केमिस्ट्री का बात करें और एटम ले ले, परमाणु ले ले, तो परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है उसका डिस्कवर किसने किया था, तो आपको याद रखना है रदरफोर्ड। क्या याद रखना है, रदरफोर्ड। इसीलिए हम लोग रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ये वही रदरफोर्ड है जिन्होंने नाइट्रोजन, आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन गैस, तो नाइट्रोजन गैस का भी इन्होंने ही डिस्कवर किया था। सब चीज कनेक्ट करते हुए चलिएगा, चीजें इजी होगी आपके लिए। उसके बाद हम लोग बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको याद रखना है राइबोसोम, इसको क्या कहा जाता है, तो प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। आपको पूछेगा प्रोटीन कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसको प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, तो आप क्या बोलोगे, राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्वेश्चन आपको यहां हमने बताया कि सबसे बड़ा कोशिकांग जो है वो न्यूक्लियस है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपको उल्टा कर देगा, पूछा जाएगा कि सबसे छोटा कोशिकांग क्या है, तो आप बोलोगे राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोला जाता है, तो राइबोसोम। अगर इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, तो दो बीमारी का नाम आप हमेशा याद रखना, एक होता है क्वासीरकर, ठीक है, और एक होता है आपका मेरस्मस। तो क्वासीरकर एंड मेरस्मस जो बीमारी है बेसिकली बच्चों में देखा जाता है, और ये किसके कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से होता है। प्रोटीन के फैक्ट्री को हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं। और राइबोसोम जो है सबसे छोटा क्या होता है, कोशिकांग होता है। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है सेल ऑर्गेनल्स, तो वो आपका न्यूक्लियस होता है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राइबोसोम है, ठीक है, इसको पूछा गया था ऑप्शन में कि कौन सा ऐसा कोशिकांग है सेल ऑर्गेनल्स है जिसको हम लोग यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल बोलते हैं, यूनिवर्सल कोशिकांग बोलते हैं। यूनिवर्सल मतलब वो सब जगह पाया जाएगा, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होते हैं, ऐसे सेल जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, ऐसे कोशिका जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, ना ही उसका न्यूक्लियस डेवलप है। और हमेशा याद रखना प्रोकैरियोटिक में दो जीव का नाम आपको मैं हमेशा बताता हूं, एक है आपका बैक्टीरिया और दूसरा है आपका आर्किया। तो बैक्टीरिया और आर्किया जो होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर आता है। और प्रोटीन जो है जो आपका राइबोसोम जो है कि ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, क्या है, जो आपका यूकैरियोटिक में भी मिलता है और आपका प्रोकैरियोटिक में भी मिलता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन इसे और याद रखोगा, ये जो राइबोसोम है आपको कहां मिलता है, तो आपको मैंने बताया था इंडोप्लाजिक रेटिकुलम। तो इंडोप्लाजिक रेटिकुलम जो होता है इसका दो भाग होता है, एक होता है आपका रफ और एक होता है आपका स्मूथ। तो जो रफ वाला एंडोप्लाजिक रेटिकुलम होता है उसमें क्या लगा होता है, तो आपका राइबोसोम लगा होता है। ये चीज आपको राइबोसोम से पूछा जाएगा, राइबोसोम के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है, और भी चीजें, बट अभी आपको इतना याद रखना है। उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, अब भी दरोगा के एग्जाम में अगर मेंस का भी पेपर उठाओगे 2416 में, तो माइटोकॉन्ड्रिया पे आपको सबसे पहले याद रखना है। सबसे बड़ा अगर कोशिकांग बोलेगा तो वो कौन सा है, तो न्यूक्लियस है। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। सेकेंड नंबर में सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस किसको बोला जाता है सेल का, कोशिका का, तो आप क्या बोलोगे, माइटोकॉन्ड्रिया। और मैंने अभी आपको क्या बताया कि आपको डीएनए, ठीक है,
डीएनए जो है आपको किसके अंदर मिलता है, आपको न्यूक्लियस के अंदर मिलता है, पर न्यूक्लियस के अंदर छोड़ के ऐसा दो कोशिकांग जिसका खुद का डीएनए होता है वो कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया एक, और दूसरा हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट जिसको हरित लवक बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे कोशिकांग है, याद रखेगा माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये क्लोरोप्लास्ट जो है स्पेशली आपको याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया तो आपको अपने पढ़ा होगा बट क्लोरोप्लास्ट में ध्यान रखेगा, क्लोरोप्लास्ट जो है सिर्फ आपका प्लांट में मिलता है, मैं फिर से बताता हूँ, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट में मिलता है, और क्लोरोप्लास्ट जो है किसका पार्ट है, तो ये प्लास्टिड का पार्ट है, आपने पढ़ा होगा प्लास्टिड, ठीक है, याद आया, प्लास्टिड को तीन भाग में हमने डिफाइन किया था, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, सब हम बताएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको याद रखना और क्लोरोप्लास्ट याद रखिएगा, दो ऐसे कोशिकांगे, क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, दो ऐसे कोशिकांगे जिनका खुद का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया से एक और क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, अभी पूछा गया था दरोगा के 24 में, कि क्रैब साइकिल, दो साइकिल आपको याद रखना है, एक होता है आपका ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस, क्या मैंने बोला, ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरा होता है आपका क्रैब साइकिल, क्या मैंने बोला, क्रैब साइकिल। तो ये ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है और क्रैब साइकिल कहां होता है, ठीक है, तो ये आपका जो क्रैब साइकिल है ये दरोगा में पूछा गया था, याद रखिएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है, किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये क्रैब साइकिल से क्या हमें मिलता है, क्या हमें मिलता है बोलो, ये भी क्वेश्चन ये यूपीपीसी से पूछा गया। तो जो क्रैब साइकिल है ये हमें फाइनली एटीपी में एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है, एटीपी में एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है, एटीपी में एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है, कहां से देता है, ग्लूकोज जो है फाइनली एटीपी में प्रोड्यूस हो जाता है, कौन सा, क्रैब साइकिल में। और क्रैब साइकिल आखिर ये होता कहां है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है, तो आपको याद रखना है ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ये होता है आपका साइटो साइटोप्लाज्म में, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो आपको ये बोलते हैं कोशिका द्रव्य, क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, आपका ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव्य में, और क्रैब साइकिल कहां होता है, तो आपको याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्रैब साइकिल की मैंने आपको रेस्पिरेशन वाला चैप्टर में भी पढ़ाया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, यहां एटीपी प्रोड्यूस करता है। और एक क्वेश्चन आपको हमेशा पूछा जाता है एटीपी से, कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसको बोला जाता है, तो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल जो है एटीपी को बोला जाता है। और एटीपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा क्या होता है, एडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो ये चीज याद रखिएगा। तो क्रैब साइकिल कहां होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है, किसमें होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे अगर आप पढ़े हुए हो समझे हुए हो तो ईजी है, ठीक है, ये सब एक दूसरे से को रिलेटेड है, कि जो कोशिका का श्वसन होता है, श्वसन केंद्र, ठीक है, रेस्पिरेटरी जो आपका जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, श्वसन जो होता है कोशिका का वो कहाँ होता है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है, मतलब कोशिका का जो श्वसन होता है वो कहाँ होता है, तो ये भी आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो एटलीस्ट आप माइटोकॉन्ड्रिया का याद रखिएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था, तो साइंटिस्ट का नाम क्या था, बेंडा, क्या था, बेंडा जो था उसका नाम था। तो ये पहला क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन ये 2213 का मैंने डायरेक्टली यहां छाप दिया है। देखिए, कोशिका द्रव्य मतलब, कोशिका द्रव्य मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और आपका तीनों जो है इसमें किस तरीके का राइबोसोम मिलता है, ठीक है। अभी हमने राइबोसोम का बात किया था, राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है, राइबोसोम क्या है, सबसे छोटा कोशिकांग है, राइबोसोम कहां मिलता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे मिलता है, ठीक है। और हमने ये भी बताया कि जो आपका राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, बेसिकली आपको बायोलॉजी में पढ़ना है, एक होता है आपका 70S और एक होता है आपका 80S। जो ये 70S है, ठीक है, ये जो 80S है ये 60S प्लस 40S से मिलके बनता है, ठीक है। और जो ये आपका 70S है ये 50S प्लस 30S से मिलता है। अब एड मत कर देना 50 प्लस 30, ठीक है, वैसा वाला नहीं है, ये बायोलॉजी वाला है, ठीक है। तो 80S क्रोमोसोम होता है जिसको हम लोग 60S प्लस 40S में तोड़ सकते हैं, और 70S क्रोमोसोम होता है जिसे 50S प्लस 30S में तोड़ सकते हैं। तो ये पक्का याद रखना, ऐसे ही छप जाएगा ये डायरेक्ट, ठीक है। अब याद रखना, जो ये 70S जो आपका क्रोमोसोम में बोल रहा हूँ, क्या शायद राइबोसोम, ठीक है। तो जो एक होता है 70S राइबोसोम, ठीक है, और एक होता है आपका 80S राइबोसोम, ठीक है। अब जो ये 70S राइबोसोम है वो 50 प्लस 30S में टूटता है, और जो 80S क्रोमोसोम है 60S प्लस 40S में टूटता है, ये याद रखना पक्का, ठीक है। अब जो ये 70S राइबोसोम है आपको याद रखना है, ये बेसिकली कहाँ होता है, तो ये मेनली आपको देखा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल अगर मैं बोलता हूँ मतलब क्या होगा, ये तो ये आपका बैक्टीरिया में आपको देखा जाएगा, ठीक है, आर्किया में देखा जाएगा,
ठीक है, तो बैक्टीरिया और आर्किया। और प्लस आपको दो पॉइंट यहां याद रखना है, वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जैसे कि यहां आपको दिया होगा, ये देखिए कोशिका क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, और साथ में आपको याद रखना है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक। तो आपको याद रखना 70s क्रोमोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है, जिसके बैक्टीरिया हो गया, आर्किया हो गया, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। और 80s क्रोमोसोम जो होता है आपका कहां मिलता है, तो ये यूकैरियोटिक सेल में मिलता है, ठीक है। तो इसका अगर आप आंसर देखना चाहोगे, ठीक है, तो हमने आपको बताया क्या, जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, 70s होता है, तो ये 70s हो गया, यहां भी 70s हो गया, और जो आपका साइटोप्लाज्म जो होगा, कोशिका द्रव्य जो होगा, उसमें 80s क्रोमोसोम होगा, ये याद रखना है जो मैंने आपको यहां बताया, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट यूपीपीसीएस में बहुत बार पूछा गया, जो ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, जो हरित लवक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके फॉर्म होते हैं, ठीक है। हमने क्या बात किया आपका क्लोरोप्लास्ट के बारे में, देखिए जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, ठीक है। देखिए क्लोरोप्लास्ट, इसे बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा ये किसका पार्ट है, तो एक कोशिकांग आपने सुना होगा प्लास्टिड, ठीक है, प्लास्टिड, और प्लास्टिड में तीन भाग आपने सुना होगा, एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, एक होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, ये तीन आपने सुना होगा, जिसमें कि एक जो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट किसका भाग है, तो ये प्लास्टिड का भाग है। पहला क्वेश्चन आपको क्लोरोप्लास्ट से पूछा जाता है कि इसमें कौन सा पिगमेंट मिलता है, तो याद रखिएगा जो क्लोरोफिल जो मिलता है, ठीक है, वो किसमें मिलता है, तो क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि किचन ऑफ द सेल, किचन मतलब होता है जहां खाना बनता है, तो किचन ऑफ द सेल, कोशिका का किचन किसको बोला जाता है, आपको याद रखना है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये याद रखना है। तीसरा आपको याद रखना है यहाँ क्लोरोफिल मिलता है, तो क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है, तो आपको याद रखना है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मेटल होता है, ये चीज याद रखना, किचन ऑफ द सेल इसको बोलते हैं। और याद रखिएगा इसका खुद का अपना डीएनए होता है, ठीक है, इसमें कौन सा राइबोसोम होता है, तो आपको याद रखना है इसमें 70S राइबोसोम होता है, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। और याद रखिएगा जो आपका ग्रीन कलर जो होता है प्लांट का, वो किसके कारण होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के कारण ही होता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। और एक क्वेश्चन अभी यूपीपीसीएस से पूछा गया था कि जो कौन सा, मतलब जो प्लांट का कौन सा ऐसा भाग है, ठीक है, जो सन सोलर एनर्जी को क्या कर देता है, केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, तो याद रखिएगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोफिल के कारण होता है, और क्लोरोफिल कहाँ होता है, आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है, इसीलिए ये क्या करता है, सन एनर्जी को, सोलर एनर्जी को क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। और यही एक क्वेश्चन और उठता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्या करता है, सन मतलब सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है, रसायन एनर्जी में चेंज कर देता है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक जो है, ठीक है। बट हमेशा याद रखना कोई भी प्लांट होगा वो मैक्सिमम कितना एनर्जी, ठीक है, ट्रैप कर पाता है, ले पाता है, मैक्सिमम कितना एनर्जी ले पाता है सन का, तो सिर्फ 1% ही एनर्जी ले पाता है, ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये था आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने बता दिया, राइबोसोम के बारे में भी हमने बता दिया, और जो आपका कोशिका द्रव्य है साइटोप्लाज्म, इसमें क्या होता है, तो इसमें आरएनए सिर्फ आपको मिलेगा, डीएनए नहीं मिलेगा, डीएनए कहां कहां मिलेगा, तो न्यूक्लियस में मिलेगा, आपका क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट में मिलता है, याद रखिएगा ये ऐसा कोशिकांग है जो सिर्फ प्लांट में मिलता है, ठीक है, और आपका माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए मिलता है। और ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। बट अगर यही चीज अगर मैं बोलूं, ठीक है, कि क्रैब साइकिल कहां होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है, तो मैंने अभी बताया था प्रोटीन कहां बनाया जाता है, तो राइबोसोम में बनाया जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में मैंने अभी पूरा बता दिया आपको, इससे जितने क्वेश्चंस बनते हैं, राइबोसोम के बारे में भी मैंने बता दिया। अब लाइसोसोम जो होता है, आपको पता है लाइसोसोम, ठीक है, इसको सुसाइडल बैग बोला जाता है, ठीक है, आत्महत्या की थैली बोला जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, एंजाइम्स भरा होता है, अगर वो फट गया तो ये पूरा सेल को खत्म कर देगा, ठीक है, इसीलिए क्या होता है, इसको सुसाइडल बैग। तो पूछा जाएगा सुसाइडल बैग किसको बोला जाता है, तो लाइसोसोम को बोला जाता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग अंग को कोशिका के आत्मथलिया, मैंने अभी बताया किसको सुसाइडल बैग बोला जाता है, तो किसको सुसाइडल बैग बोला जाता है, तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग। बाकी न्यूक्लियस के बारे में बता दिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने आपको बता दिया, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का हो सकता है, एक क्या होता है, प्लेन होता है, ठीक है, एकदम प्लेन होगा, दूसरा क्या होगा, रफ होगा। तो रफ वाला क्यों रफ होता है, क्योंकि उसमें क्या लगा होता है, राइबोसोम लगा होता है। तो यहां पूछा है कि अंत प्रादव्य, दैट मीन्स एंडोप्लाज्मिक की सतह पर
की उपस्थिति के कारण वो खुरदरी होती है, तो मैंने बता दिया आपको किसके कारण से खुरदरी होती है, तो आपको राइबोसोम के कारण। क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखिए, अब यहाँ है आपका क्लोरोप्लास्ट, मैंने आपको क्या बताया था, प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है, कोशिकांग है, जिसे किसमें मिलता है, सिर्फ प्लांट में मिलता है। इसका तीन पार्ट है, याद रखिएगा, तीन पार्ट। पहला पार्ट क्या होता है इसका, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका, क्रोमोप्लास्ट, 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 और तीसरा क्या होता है आपका, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो बता दिया, ग्रीन कलर इसके कारण होता है। बाकी ग्रीन कलर को छोड़ के जितना भी कलर आपको मिलता है, जैसे कि आपका टमाटर का देखोगे लाल क्यों होता है, तो लाइकोपिन के कारण होता है। गाजर लाल क्यों होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है। चुकंदर जो होता है उसका थोड़ा बैंगनी कलर होता है, क्यों, तो बेटाटीन के कारण, ठीक है। तो ये सब किसके द्वारा दिया जाता है, तो क्रोमोप्लास्ट के द्वारा, ठीक है। ग्रीन कलर को छोड़कर जितना भी दिया जाएगा क्रोमोप्लास्ट का। और जहां सूर्य नहीं पहुंचता है, ठीक है, जहां सूर्य नहीं पहुंचता है, पूरा उजला वाला भाग जो होता है, वहां कौन सा क्या चीज पाया जाता है, तो ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट अच्छे से समझ के रखिएगा, तीनों प्लास्टिड के भाग में है, और ये जो मिलता है सिर्फ आपका प्लांट में मिलता है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया राइबोसोम, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया क्रोमोप्लास्ट, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया गोल्गी बॉडी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, गोल्गी बॉडी को क्या बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोलते हैं, प्रबंधन का मेन इनका काम होता है, ठीक है। उसके बाद है, व्हाट इज द प्लांट सेल वॉल मेनली मेड ऑफ, ये अगेन मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था इससे दरोगा में, ठीक है, सेल वॉल के ऊपर, ठीक है। देखिए, तो जो प्लांट होता है, ठीक है, प्लांट का अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि प्लांट में, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लांट जो होता है उसमें कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होता है। बट एनिमल सेल, हम भी एक एनिमल है, क्या हमारा कोई सेल वॉल है, जी नहीं है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। तो पहला पॉइंट तो ये याद रखोगे, ठीक है, प्लांट का। तो प्लांट का जो सेल वॉल बना होता है किससे बना होता है, सेल्यूलोज से बना होता है, पहला पॉइंट। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सेल्यूलोज किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, तो ये पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट, किस टाइप का है, तो पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है, अच्छे से याद रखिएगा। और ये जो सेल्यूलोज है, पूछा जाता है कि प्राकृतिक तौर पर सबसे ज्यादा कौन सा कार्बोनिक पदार्थ जो मतलब कंपाउंड जो क्वेश्चन इस तरीके से फॉर्म हुआ था कि प्राकृतिक तौर पर, ठीक है, सबसे ज्यादा, ठीक है, कार्बोनिक यौगिक कौन सा मिलता है, ठीक है, तो वो है आपका सेल्यूलोज है। तो आपको याद रखना, ये नेचुरली सबसे ज्यादा, ठीक है, कार्बोनिक कंपाउंड है जो नेचर में मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे ज्यादा नेचुरली तौर पे कार्बोनिक कंपाउंड मिलने वाला क्या है, तो सेल्यूलोज है, ये पॉलीसेक्राइड है, और याद रखा ये कार्बोहाइड्रेट है, और इसी का क्या बना होता है, प्लांट का सेल वॉल बना होता है, ठीक है, याद रहेगा। देखिए, अब कुछ सेल वॉल पे जो क्वेश्चन पूछे गए उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इस बार पूछे जाने की पूरी संभावना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेल वॉल, सेल वॉल का अगर हम लोग बात करें तो एनिमल में कोई सेल वॉल नहीं मिलता है, मतलब पशु में कोई भी कोशिका भित्ति नहीं होती है। प्लांट का अगर बात करें तो सेलुलोज से बना होता है, प्लांट का सेलुलोज से बना होता है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का मैं जब भी बोलूं तो बैक्टीरिया का हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, बैक्टीरिया का डिस्कवर किसने किया था, तो बैक्टीरिया का डिस्कवर एंटन वैन लीवेनहुक ने किया था, ठीक है। और आपका फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको बोला जाता है, तो आपको किसको बोला जाता है, एंटन वैन लीवेनहुक को बोला जाता है। पर बैक्टीरिया नामकरण किसके द्वारा किया गया था, तो एरन बर्ग के द्वारा किया गया था। और याद रखिएगा, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, मैंने अभी समझाया था क्यों नहीं होगा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि बैक्टीरिया जो है आपको मैंने अभी समझाया था वो प्रोकैरियोटिक में मिलता है, तो ये प्रोकैरियोटिक में मिलता है, तो इसलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। बैक्टीरिया का जो याद रखिएगा, जो सेल वॉल बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है, इसको आप लोग म्यूरिन भी बोलते हो, म्यूरिन, तो पेप्टिडोग्लाइकन लिखाओ या म्यूरिन लिखाओ, आपको समझ जाना है। और दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था, जो फंगस है, कवक जो है, ठीक है, कवक के बारे में आपको बताया था, ठीक है, तो एल्गी हो गया, फंगी हो गया, ये सब थैलोफाइटा ग्रुप में आता है, ठीक है, जब मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये याद रखिएगा, फंगस का जो कोशिका भित्ति सेल वॉल बना होता है वो ग्लूकेन से बना होता है, ग्लू से, ठीक है, काइटिन से बना होता है या ग्लाइकोप्रोटीन से, या तीनों दिया होगा, बट एग्जाम में जो ऑप्शन में था वो काइटिन था, बट अब जो एग्जाम में आता है ये तीनों दिया होता है, ठीक है, ग्लूकेन्स, काइटिन एंड ग्लाइकोप्रोटीन। तो याद रखना, कम से कम काइटिन तो पक्का दिमाग में रखिएगा, तो तीनों याद रखना, एनिमल में नहीं होता है, प्लांट में सेलुलोज होता है, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन होता है, फंगस में आपका काइटिन होता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 आपका, कि कोशिका सिद्धांत, दैट मीन जो सेल थ्योरी के बारे में बात कर रहा है, कि सेल थ्योरी जो है बेसिकली किसके द्वारा दिया गया था, बीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। देखिए, जो सेल थ्योरी है, ठीक है, ये क्या कहता है,
तो ये सबसे पहले तो यही बताना चाहिए सेल थ्योरी क्या है। तो सेल थ्योरी ये कहता है कि दुनिया का जितना भी जीव है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो क्या बना है? सेल से बना है, कोशिका से बना है। कोशिका से क्या बनता है? आपका टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है? फिर ऑर्गन बनता है। फिर ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, सिंपल। टिश्यू मतलब होता है ऊतक, इतना आप समझ के चलो, आप इंग्लिश भी आता है एग्जाम में। ठीक है, देखो तो सेल आपको याद रखना है। सेल थ्योरी किसने दिया था? तो सबसे पहले याद रखना है सिल्डन एंड स्वान ने दिया था। ठीक है, और मैंने क्या बताया सेल थ्योरी के बारे में, मैंने क्या बताया तो भी याद रखेगा। सेल थ्योरी क्या है कि दुनिया का हर एक जीव जो है बेसिकली सेल से ही बना हुआ है। किसने दिया था? तो सिल्डन एंड स्वान ने दिया था। ठीक है, तो यहाँ सिल्डन है और स्वान है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब जल्दी आए, सबसे पहले सेल थ्योरी किसने दिया? सिल्डन एंड स्वान ने दिया। अब याद रखिएगा, ठीक है, कौन सा ऐसा सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो याद रखिएगा, सेल थ्योरी को जो फॉलो नहीं करता है वो है आपका वायरस। क्योंकि वायरस जब भी आपके बॉडी से बाहर होता है, नॉन लिविंग थिंग पे होता है, तो क्या होता है वो, मतलब उसमें जीव नहीं होता है। बट जैसे ही हमारे बॉडी में आ जाता है तो क्या होता है, उसके अंदर जीवन आ जाता है। तो सेल थ्योरी को कौन फॉलो नहीं करता है, तो आपको याद रखना है वायरस। अब वायरस में जैसे ही बोलता हूं, दो तीन क्वेश्चन डायरेक्टली वायरस से आता है। पहला क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाता है वायरस से, कि जो वायरस को खोजा किसने था? तो इवानोवस्की, ये रशियन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, इवानोवस्की। तो इवानोवस्की ने क्या हुआ था, सबसे पहले वायरस की खोज की थी, और उसने जो पहला वायरस खोजा था वो कौन सा वायरस का नाम पूछा गया था, तो टोबैको मोज़ेक वायरस। क्या मैंने बोला? टोबैको मोज़ेक वायरस। तो टोबैको मोज़ेक वायरस, टोबैको का पत्ता को खराब कर दिया था, तो टोबैको मोज़ेक वायरस जो था ये पहला वायरस था। वायरस को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, तो इवानोवस्की ने किया था। वायरस जो है क्या करता है, सेल थ्योरी को ये फॉलो नहीं करता है। और एक और क्वेश्चन जो दरोगा का ही पूछा गया है, कि याद रखिएगा कौन सा इसमें जीव है जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, तो याद रखिएगा इसमें कार्बोहाइड्रेट भी नहीं मिलता है। और याद रखिएगा जो कार्बोहाइड्रेट वायरस में नहीं मिलता है, और याद रखिएगा इसमें जो ये जिस चीज से बना होता है, ठीक है, इसका जेनेटिक मटेरियल अगर हम लोग देखें तो ये क्या होता है, इसमें सिंगल, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड, ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है इसमें। क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ये चीज आपको याद रखना है, सिंगल स्ट्रैंडेड, STRANDED, स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ये हो गया आपका वायरस का बारे में, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, यहाँ कुछ पर्सन का नाम दिया हुआ है, लैम्बर्ट एंड ट्रेविनस, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि सबसे पहले बायोलॉजी जो वर्ड है वो किनके द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा लैम्बर्ट एंड ट्रेविनस के द्वारा ही, लैम्बर्ट एंड ट्रेविनस के द्वारा बायोलॉजी वर्ड जो है दिया गया था। बट बायोलॉजी के पिता किसको बोला जाता है, तो एरिस्टोटल को या अरस्तु को बोला जाता है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन ऑल सेल, कौन सा ऐसा कोशिकांग है यहाँ जो आपको दिख रहा है, ठीक है, या कौन सा ऐसा पार्ट है, ठीक है, यहाँ चारों ऑप्शन में, जो हर सेल में नहीं मिलता है, हर कोशिका में नहीं मिलता है। तो आपको पता है साइटोप्लाज्म मिलता है, कोशिका द्रव्य, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली भी मिलता है, ठीक है, न्यूक्लियस भी मिलता है, बट जो सेल वाल है ये नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ये एनिमल सेल में नहीं होता है। मैंने अभी बताया था जितना भी एनिमल सेल है, ठीक है, उसमें नहीं होता है, इसलिए प्लांट सेल में होता है, ठीक है, जंतु कोशिका में ये नहीं होता है, ये चीज मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 है, सबसे बड़ा सेल कौन सा है, ठीक है, सबसे बड़ा सेल कौन सा है, यहाँ ये पूछा गया, बिगेस्ट सेल कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा ज्ञात कोशिका है, तो आप सबको पता होगा ये है आपका शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे, क्योंकि तो यहाँ यूकैरियोटिक दिया हुआ है, ये तो थोड़ी ना से ये सेल है, ठीक है, ये तो सेल का टाइप है, तो ये तो होगा नहीं। मैंने यूकैरियोटिक मैंने क्या बताया था, ये डेवलप्ड सेल होता है, ऐसा सेल, ऐसा कोशिका होता है जो पूरी तरीके से डेवलप होता है, इसका न्यूक्लियस केंद्रक भी पूरी तरीके से डेवलप होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल, इसे मैंने क्या बताया था, ऐसा सेल होता है जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है और उसका न्यूक्लियस भी नहीं है, और नहीं है बोलो या पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक में मैंने क्या क्या एग्जांपल बताया था, बैक्टीरिया हो गया, आर्किया हो गया, ठीक है, तो ये दो नाम पक्का याद रखिएगा। और याद रखिएगा ये माइकोप्लाज्म क्या है, तो आपने पढ़ा होगा जो सबसे छोटा जीव, सिंगल सेल, एक सेल का जो सबसे छोटा, एक सेल का जो सबसे छोटा जीव क्या होता है, तो होता है माइकोप्लाज्म गैलिसेक्टियम, माइकोप्लाज्म गैलिसेक्टियम, माइकोप्लाज्म गैलिसेक्टियम क्या है, सबसे छोटा जीव है एक कोशिका वाला। अब याद रखिएगा, ठीक है, माइको ग्लेसेक्टियम बेसिकली है क्या, तो ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। तो इसका क्या क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे बड़ा क्या होता है, तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, ठीक है, सबसे बड़ा सिंगल सेल होता है, ठीक है, सबसे छोटा माइकोप्लाज्म ग्लेसेक्टियम हो गया। अब देखिए कुछ पॉइंट है जो मैं आपको करवा रहा हूं, देखिए सबसे छोटा कोशिका क्या होगा, माइकोप्लाज्म ग्लेसेक्टियम जो कि एक बैक्टीरिया है,
ठीक है, सबसे बड़ा कोशिका किसका होगा, तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है सबसे बड़ा होता है। बट अगर हम लोग ह्यूमन में बात करते हैं, ठीक है, सिर्फ ह्यूमन का अगर बात करें हम लोग, ठीक है, सिर्फ मानव का बात करें, तो जो सबसे छोटा होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका शुक्राणु स्पर्म होगा, ठीक है। और मानव शरीर का जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, ओवम होगा, या महिला में जो अंडा होता है वो होगा, ठीक है। और मानव शरीर में जो सबसे लंबा होगा, सबसे लंबा मैंने बताया था न्यूरॉन के बारे में मैंने बताया था, ठीक है, वो क्या होगा, तो वो न्यूरॉन होगा। न्यूरॉन को मैंने क्या बताया था, ये फंक्शनल यूनिट है, कार्यात्मक इकाई है, किसका, पूरा नर्वस सिस्टम का मैंने बताया था, सिनेप्स के बारे में बताया था, डेंड्राइट के बारे में बताया था, वो सब क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, उसके बाद है आपका कि सेल के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी बताइए, सेल जो कोशिका होता है उसके वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, साइटोलॉजी, कोशिका के अध्ययन को। उसी तरीके से हम लोग अगर बोलेंगे उत्तक के अध्ययन को, मतलब टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी। तो सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी, टिश्यू के अध्ययन को, मतलब उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी, और न्यूक्लियस के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो क्रायोलॉजी, क्या बोलते हैं, क्रायोलॉजी। तो ये तीनों याद रखिएगा, सेल, ठीक है, साइटोलॉजी, टिश्यू हिस्टोलॉजी और न्यूक्लियस क्रायोलॉजी। किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में कोशिका का ये किया था, मैंने अभी बता दिया, सबसे पहले कोशिका किसने किया, तो रॉबर्ट हुक ने किया, बट लिविंग वाला कोशिका, जीवित कोशिका का किसने किया, तो एंटन वैन लुवेनहुक ने किया। उसके बाद एंटन वैन लुवेनहुक ने क्या किया, तो ये लिविंग सेल का किया, बट यहाँ लिखा नहीं होगा, यहाँ सिर्फ सेल लिखा हुआ है, तो क्या मारोगे, रॉबर्ट हुक मारोगे, लिविंग लिखा रहता तो क्या मारते, एंटन वैन लुवेनहुक मारते। ये आपको पता होगा, फ्लेमिंग जी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था, पहला एंटीबायोटिक किसने बनाया था, तो फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, ठीक है। और किस चीज से बनाया था, तो फंगस से बनाया था, अच्छे से याद रखना। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, तो ये न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था बायोलॉजी में, और केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री का न्यूक्लियस का किस, केमिस्ट्री में जो परमाणु आता है उसका न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया था, तो याद रखिएगा, किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें हो गया, ये सब करवा दिए हम पहले। उसके बाद ही ये देखिए, अब यहाँ आपको थोड़ा समझना, अब हम लोग आ गए सेल डिवीजन वाला पार्ट में, ठीक है। जो सेल का, कोशिका का जो विभाजन होता है, ये अलग से आपको पढ़ाया जाएगा, अभी स्टार्ट किया गया क्लास, तो अलग से ये आगे आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो घबराना नहीं है। देखिए, जो पढ़ चुके हैं पहले इनको पता होगा, देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्टली छपा हुआ है, ये आपका ALP और प्लस आपका RRB के दूसरे एग्जाम में, और ये डायरेक्टली आपको इसी तरीके से आपको दरोगा में दिखेगा और BPSC में छपेगा, ये डायरेक्टली इसी तरीके से, ठीक है। यहां पूछा है सेल डिवीजन जब होता है, ठीक है, सेल डिवीजन का मैंने आपको ट्रिक भी बताया था, याद है कि भूल गए, कि सेल डिवीजन जो कोशिका जो विभाजन होता है किस तरीके से होता है, एक बार जल्दी से याद करो। सबसे पहले मैंने बताया था इंटरफेज होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, कोशिका का, कोशिका को तैयार किया जाता है किसके लिए, विभाजन के लिए, ठीक है। तो सबसे लंबा समय किसमें लगता है, इंटरफेज में लगता है। उसके बाद मैंने बताया था PMAT, याद रखना, PMAT, तो P मतलब क्या होता है, प्रोफेज, उसके बाद क्या होता है, मेटाफेज, उसके बाद क्या होता है, एनाफेज, और उसके बाद क्या होता है, टेलोफेज। ये मैंने आपको करवाया था, ठीक है। अब देखते हैं इस पे क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, हम सब क्वेश्चन एक बार में ही कर दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम द फेज ऑफ माइटोसिस। अब ये माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, जल्दी से एक बार हम लोग उसको भी देख लेते हैं। देखिए, जब सेल कभी भी विभाजित होगा, ठीक है, जब सेल कभी भी विभाजित होगा तो दो तरीके से होता है, ठीक है, बेसिकली तीन तरीके से होता है, अपन मेनली पढ़ते हैं हम लोग दो तरीके से। एक होता है आपका असूत्री विभाजन, जिसको बोला जाता है माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। दूसरा जो होता है आपका होता है समसूत्री विभाजन, जिसको हम लोग बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन, और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस डिवीजन। बहुत ही सिंपल में मैं समझा रहा हूं आखिर ये होता क्या है। देखिए, जब भी हम लोग माइटोसिस का बात करते हैं, यानी कि असूत्री विभाजन का बात करते हैं, मतलब पहला वाला, तो ये क्या होता है, बेसिकली आपका प्रोकैरियोटिक में होता है। प्रोकैरियोटिक मतलब मैंने अभी समझाया, ऐसा सेल जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है और ना ही उसका न्यूक्लियस डेवलप है, उसको क्या बोलते हैं, असूत्री विभाजन, ठीक है। तो ये किस में होता है, तो असूत्री विभाजन जो होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, या प्रोकैरियोटिक जीव में, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया। जो आपका सूत्री विभाजन होता है और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, दैट मींस जो आपका माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, बस इतना डिफरेंस याद रखना। जो मियोसिस होता है आपको याद रखना है, ये सिर्फ सेक्स सेल्स में होता है, मतलब जनन अंग वाले जो सेल है, ठीक है, जो सेक्स सेल है, ठीक है, जो जनन अंग वाले सेल है, बस उसमें होता है, ठीक है। उसको छोड़ के जितना भी बॉडी में हमारा सेल है, कहीं भी कट जाए, जल जाए, फट जाए, सब चीज जो रिपेयर होता है वो माइटोसिस के वजह से होता है। तो मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो समसूत्री विभाजन है ये वहां होता है, कहां, मतलब सिर्फ सेक्स
का जो आपका ऑर्गेन होता है, ठीक है, वो सेल्स को छोड़ के बाकी बॉडी में जितना भी सेल है हमारे बॉडी में, और वो विभाजन होगा वो किसके थ्रू होगा, तो माइटोसिस के थ्रू होगा। और बाकी जो जर्म सेल होता है, ठीक है, या रिप्रोडक्टिव सेल होता है, वो मियोसिस कहलाता है। बस इतना याद रखना है। एक पॉइंट इसमें आप और याद रखोगे, मैं बता देता हूं, ठीक है, कि जो माइटोसिस होता है, मतलब यहां अगर एक सेल, मैं माइटोसिस का बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर एक सेल, अगर मान लीजिए एक सेल में कितना होता है, तो 46 क्रोमोसोम होता है, तो अगर एक सेल से दो सेल बनता है, ठीक है, तो ये दोनों में 46 क्रोमोसोम आता है, अच्छे से याद रखिएगा। मतलब जो इसका बच्चा होगा, जो डॉटर सेल होगा, डॉटर कोशिकाएं जो होगा, इसमें भी 46 क्रोमोसोम होगा। इसीलिए क्वेश्चन भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर कहीं कट जाता है या जल जाता है और फिर से सेल सेम टू सेम आ जाता है, ऐसा नहीं है कि अगर यहां कट गया तो थोड़ा ज्यादा मास निकल गया, नहीं, जितना कटता है एकदम सेप में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपका माइटोसिस होता है, ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। और जो मियोसिस होता है, इसमें क्या होता है, 46 क्रोमोसोम जो होता है ये चार डॉटर सेल में टूट जाता है, याद रखना। माइटोसिस में दो डॉटर सेल में टूट जाता है, ठीक है, और जो मियोसिस है जिसमें अर्धसूत्री है, इसमें चार डॉटर सेल में टूटता है, और हर एक सेल में कितना होता है, तो 23 क्रोमोसोम ही होता है। तो इसमें चार में टूटता है, इसमें दो में टूटता है, याद रखिएगा। इसमें दोनों में आइडेंटिकल ही होता है, मतलब 46 क्रोमोसोम अगर मां में था तो बच्चा में भी 46 होगा, बट इसमें क्या होता है, अगर 46 क्रोमोसोम था तो चार में टूटेगा और सब में 23 होगा। तो इसको हम लोग समझ गए, ठीक है आप लोग। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। देखिए तो पहला क्वेश्चन है, नेम दी फेस, माइटोसिस का बात किया जा रहा है यहां, देखिए माइटोसिस का बात किया जा रहा है, ठीक है, मियोसिस नहीं है। तो माइटोसिस ड्यूरिंग विच, कौन सा ऐसा फेज है, ठीक है, जब सेल डिवीजन होगा, कोशिका विभाजन होगा, तो उसमें मेटाफेज होता है, टेलोफेज होता है, इंटरफेज होता है, एनाफेज होता है, तो कौन सा ऐसा फेज है जिसमें क्रोमोसोम जो होता है आपका क्या होता है, इक्वेटोरियल प्लेन में पहुंच जाता है। क्या होता है, इक्वेटोरियल प्लेन में। देखिए ये मेटाफेज होता है, ये देखिए मेटाफेज, ये देखिए आपका क्रोमोसोम है, ये देखिए इक्वेटर में पहुंच गया। वही आपको पूछेगा कि कौन सा ऐसा फेज होता है माइटोसिस में, सेल डिवीजन का समय, जब जो आपका क्रोमोसोम जो होता है पोल पे, ध्रुव पे पहुंच जाता है, तो आपको याद रखना है टेलोफेज। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कम से कम नहीं अभी आपने पढ़ा है कहीं, तो अभी बस इतना याद रख लो कि जब भी बोलेगा कि कौन सा ऐसा फेज होगा माइटोसिस सेल डिवीजन में, ठीक है, कि माइटोसिस सेल डिवीजन में जिसमें क्रोमोसोम जो होगा इक्वेटर पे पहुंच जाएगा, ध्रुव इक्वेटर पे पहुंच जाएगा, ठीक है, भूमध्य रेखा पे पहुंच जाएगा, मतलब एक ग्लोब मान लेते हैं, ठीक है, तो वही लिखा है माइटोसिस के उस चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित कोशिका के गुणसूत्र भूमध्य रेखा प्लेट पर स्थित होता है। तो आपको क्या याद रखना है, माइटोसिस। पहला क्वेश्चन जब पूछेगा इक्वेटर पे, और अगर पूछेगा पोल पे या ध्रुव पे, तो क्या लगाओगे, तो आप लगाओगे पोल पे या ध्रुव पे पूछेगा क्रोमोसोम कब पहुंच जाता है, तो आपको याद रखना है टेलोफेज में, और इक्वेटर पे कब पहुंच जाता है भूमध्य पे, तो आपको याद रखना है इक्वेटर पे कब पहुंच जाता है, तो आपका मेटाफेज में, ठीक है। और पूछेगा कि सबसे बड़ा फेज कौन सा होता है, सबसे ज्यादा जो समय लेता है, तो इसमें सबसे ज्यादा समय लेता है, मैक्सिमम टाइम लेता है, और सबसे कम समय किसमें लेता है, तो एनाफेज में लेता है। ये सब पॉइंट याद रखना, चार क्वेश्चन यहां से बनते हैं, चारों मैंने आपके सामने करवा दिया। इक्वेटर पे कब रहेगा, तो आपको याद रखना है मेटाफेज, पोल पे कब रहेगा, ध्रुव पे, तो टेलोफेज, सबसे ज्यादा समय किस फेज में लगता है, तो इंटरफेज, सबसे कम फेज किसमें लगता है, तो आपका एनाफेज, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत ही ईजी से आपको यहां करवा दिया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन यहां और है, ये भी डायरेक्टली आया हुआ है कि व्हाट टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, शरीर में चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के कोशिका विभाजन का उपयोग किया जाता है, मैंने अभी बताया था, वो होता है आपका माइटोसिस। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ जो मदर सेल है, ठीक है, वो दो डॉटर सेल में टूटता है, दोनों में 46 क्रोमोसोम ही रहता है, जितना कि मदर में क्रोमोसोम है उतना ही, एकदम सेम एकदम डुप्लीकेट पैदा हो जाता है, इसलिए मरम्मत में यही काम आता है। मियोसिस मैंने बता दिया, ये क्या होता है आपका रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, जनन अंग में होता है, और इसमें क्या होता है, एक मदर सेल जो है चार डॉटर सेल में टूटती है, और सब में क्या होता है 23 क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, पढ़ के। बाकी हाँ, और आप कुछ क्वेश्चन है जो मैं जल्दी करवा देता हूँ, वन लाइनर में मैंने लिख दिया, ये आपके घटना चक्र के कुछ क्वेश्चन और मुझे अच्छे लगे, ऐसे तो हमने इंक्लूड किया, बट कुछ क्वेश्चन और है जो हम लोग जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको हिंदी में भी लिखा हुआ है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ठीक है, ये देखिए हिंदी में लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहला कि वायरस जो होता है उसका जो किससे बना होता है, तो याद रखिएगा वायरस जो बना होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से बना होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यह पूछा गया था कि जो म्यूटेशन होता है, ठीक है, जो चलिए हम लोग इधर ही देख लेते हैं, ठीक है, जीवों में जो अत्यधिक विविधता देखी जाती है, क्यों देखी जाती है, तो म्यूटेशन के कारण, जिसको बोला जाता है उत्परिवर्तन के कारण, ठीक है। और ये जो म्यूटेशन का जो थ्योरी था किस साइंटिस्ट ने दिया था, ये भी पूछा गया, ठीक है, कि
उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत था, म्यूटेशन का जो सिद्धांत था, जिसके कारण क्या होता है, विविधता देखा जाता है आपका आपका जीवों में, ठीक है। तो इसको किसने दिया था, तो आपको याद रखना ह्यूगो डी वेरिस, ह्यूगो डी वेरिस, ह्यूगो डी वेरिस, याद रखना। छिपकली में कोई लिंग गुणसूत्र नहीं होता है, याद रखिएगा, छिपकली जो होता है उसमें कोई भी लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। और यही बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा कि केचुआ, एक केचुआ आपको पता है कौन सा फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में आता है, तो एनेलिडा में आता है, ठीक है। और याद रखिएगा जो केचुआ जो है, याद रखिएगा ये क्या होता है आपका बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल मतलब इसमें क्या होता है, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होता है। तो केचुआ नर और मादाओं दोनों योन योनि अंग होते हैं, ये दोनों अच्छे ला, मतलब क्वेश्चन पूछा देगा कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना सेक्स चेंज कर सकता है, तो क्या मारोगे, केचुआ। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये किसमें आता है, एनेलिडा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि जो फार्मर होता है उसका दोस्त किसको बोला जाता है, तो आपको याद रखना केचुआ को ही बोला जाता है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटिकम, सिंपल पूछा जाता है जो कॉर्पस ल्यूटिकम है, ठीक है, कोशिका किससे रिलेटेड है, तो जो जो ओमेन होती है, ओमेन का जो ओवरी होता है उससे क्या होता है, ये आपका कॉर्पस ल्यूटिकम जो है आपका रिलेटेड होता है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मैंने बता दिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है, राइबोसोम का होता है, पौधे का वह भाग जो अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री मतलब बोला आप समझ गए होंगे, सिंपल, ठीक है, अर्धसूत्री मतलब मियोसिस का बात किया जा रहा है, तो पौधे का वह भाग जो अर्धसूत्री विभाजन के लिए सबसे उपयोगी है, यह पराग कोष जिसको हम लोग बोलते हैं एंथर। आप बोलोगे सिंपल सी बात है भाई, मैंने अभी आपको समझाया था कि जो अर्धसूत्री होता है ये सेक्स सेल में होता है, और आपको पता है कि जो आपका फ्लावर होता है वो क्या है, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, किसका, आपका जो आपका प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, तो प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कौन सा होता है, तो प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एक फीमेल होता है एक मेल होता है, तो मेल जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंथर, और एंथर पे ये क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होता है, तो पराग कोष को ही हम लोग एंथर बोलते हैं। तो सिंपल है, ये चीज आप समझ गए होंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन छपेगा, पौधे का वह भाग जो मियोसिस के लिए, मियोसिस डिवीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तो एंथर या पराग कोष, ठीक है। उसके बाद लिम्फोसाइट कहां बनता है, तो मैंने आपको बताया था व्हाइट ब्लड सेल में क्या होता है, लिम्फोसाइट होता है, मोनोसाइट होता है, तो जो मोनोसाइट है, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल का जो सबसे बड़ा वाला भाग जो होता है वो कौन सा होता है, मोनोसाइट होता है, और सबसे छोटा वाला भाग कौन सा होता है व्हाइट ब्लड सेल का, तो वो होता है आपका लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट कहां बनता है, तो बोन मैरो में बनता है, और लिम्फोसाइट ही जो होता है हमारी बॉडी का क्या करता है, हमारा डिफेंस सिस्टम होता है। ये सब चीज हम आपको ब्लड में भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी बताइए आपको क्लास कैसा लगा, मैं फिर से कहता हूं जो हमने पढ़ा दिया आप समझ लो क्वेश्चंस वहीं से रहेगा, बस ये है कि आपको बैठ के चीजें सुनना पड़ेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मोटिवेट हमें करता है कि हाँ हम बेहतर चीजों को और लेके आए, कि लोग देखते हैं, ठीक है, तभी समझ में आता है, नहीं तो बाकी तो जो यूट्यूब पे चल रहा है वो चल ही रहा है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।